वो सिगरेट पीने की आदत है इसे। अब मैं पूरी दुनिया पे आतंक मचा दूंगा और फिर इसे कोई नहीं बचा पाएगा। पहले मैं शुरुआत स्कूल से करूंगा ताकि बच्चों को थोड़ी राहत तो मिले, बच्चे पढ़ते रहते हैं, थोड़ा सा मदद कर ले तो बच्चों के साथ। अरे अरे फायरबॉल का से आ रही है, अरे 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 ये पीछा कैसे लगी? फायरबॉल तो आगे से आ रही थी। अच्छा मिस हो गया। अरे अरे फिर से फायरबॉल आ रही है, अरे अरे क्या हुआ, नीचे चुका। ये हो क्या रहा है, फायरबॉल आगे से आ रही है तो आग मेरे पीछे भी लगती है। अब मैं घर चला जाता हूँ, पता नहीं कुछ हो जाए। मिस हो गया इसके। तू भी चला जा, ठीक है? आज छुट्टी हो जाएगी इसके लिए। बाय। मैं वहां पे सबको अकेला तो छोड़ के आ गया, लेकिन वो आके होने से बच तो गए होंगे ना। मैं तो बच गया पर उनका क्या होगा? तो मैं भी कौन था बड़ा रक्षक हूँ जो युवा हर शक्तियों से यू बचा रहे था उनका। हाँ दादी बुला रही। हाँ दादी उधर। हाँ बैठता हूँ। अरे मेरा मुख क्या पाक रहा है, उधर बैठना। आज मैं तुम्हें फिर से एक अच्छी सी एक कहानी सुनाऊंगी। एक जादूगर था, वो बिलीव नहीं करता था कि उसके पास जादू है, वो जादू कर सकता है। लेकिन एक दिन जब मॉन्स्टर दुश्मन और बुराई एक साथ उस पर वार करी, तब उसने पहली बार जादू किया। जादू करने के बाद उसे लगा कि इस दुनिया में जादू आदादी नहीं होता। जादू 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 होता ना तो उन लोगों को अपने स्कूल में पहुंचा के लाता था, पापा को बचाता, दादाजी को बचाता, मम्मी को बचाता, पर किसी को नहीं बचा पाया क्योंकि जादू नहीं था ना। लेकिन दादी काश काश मेरे पास जादू होता, मैं जादू करता और वहां पे सबको बचाता। पर जादू ही तो नहीं था, असली जादू तो भगवान के पास है पर उनको तो कुछ करना नहीं है। हमेशा जादू जादू करते रहते हो ना, तो कुछ जादू करके सबको बचा लो। ट्यूशन जा रहा हूं मैं। जादू होता है तो और एक दिन तू भी जादू करेगा। अब सेना टोपी पहन के जाओ ट्यूशन। हाँ नहीं तो एमसी कहेंगे। सब मजाक उतारते रहते मेरा, फिर टकलाऊ टकलाऊ। दादी का दादी की मिली थी लेने गई होगी। चीज़ ये क्या हुआ था मुझे? जो भी हुआ था बहुत मजा आया। अब साला किसी ने भी मजाक उड़ाया ना, इसी तलवार से उसका गला काट दूंगा।
ये क्या हुआ था मुझे? ये जो भी मेरे साथ हो रहा है ना, इसका बाद जवाब मेरे को सिर्फ पापा की लाइब्रेरी में मिल सकता है। ये पापा का स्पेशल रूम है, इस रूम में पापा ने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं। इधर ही कहीं मेरे को इस पावर के बारे में कुछ पता चले। बेटा मेरे को पता है कि तुम्हारे पास एक ऐसी शक्ति आ गई है जिसे तुम काबू में नहीं कर पाओगे, कि यह शक्ति भगवान की और शैतान की शक्तियों से मिली हुई है। भगवान की शक्ति तो तुम्हें कुछ नहीं करेगी, लेकिन शैतान की शक्ति तुम पे हावी होने लगी है, और हावी होने के बाद तुम शैतान के जैसे हो जाओगे। आगे पढ़ना क्या है, आप सस्पेंस दे रहा हूँ। और इसे काबू पे करने के लिए तुम्हें अपनी किसी के लिए मजाक से, और अगर तुम्हें इसे काबू करना है तो तुम्हें अपना मन साफ रखना पड़ेगा, ताकि भगवान की शक्ति तुम्हारे पे आ पाए और शैतान की शक्ति गायब हो जाए। लेकिन ये आएगा से? अरे इसे छोड़ो, पापा को पता था मतलब कि मेरे पास ये शक्ति आने वाली है, तभी तो पापा ने लिखा। अब मेरे को जादू करना होगा। डाली डाला मैं तो आया वो किन्ना।